पिहोवा में हर व्यक्ति बदलाव चाहता है। मनदीप चट्ठा। कांग्रेस प्रत्याशी मनदीप चट्ठा ने कहा कि पिहोवा में कांग्रेस की लहर चल पड़ी है और हर व्यक्ति अब बदलाव चाहता है। बदलाव की इस आंधी में जनता से झूठे वादे करने वाली बीजेपी पार्टी टिक नहीं सकेगी। गाँव गाँव शहर शहर में हर जगह पार्टी को भरपूर समर्थन मिल रहा है। वे सोमवार को विभिन्न गाँवों का दौरा कर गाँव बाखली में कार्यकर्ताओं से संबोधित कर रहे थे। मनदीप चट्ठा ने कहा कि भाजपा ने हमेशा ही जनता के साथ जुमलेबाजी की है, बड़े बड़े वादे किए हैं लेकिन कोई भी पूरा नहीं हो सका, इसलिए जनता भाजपा से तंग आ चुकी है और प्रदेश से भाजपा को जंग से उखाड़ फेंकना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा में खुद पार्टी के कार्यकर्ता खुश नहीं है, वे भी पार्टी की नीतियों से परेशान हो चुके हैं और कांग्रेस में अपना भविष्य देख रहे हैं। कांग्रेसी नेता गगनजोत सिंह संधू ने कहा कि वे जिस भी गाँव में जाते हैं वहाँ ग्रामीण दुखी और परेशान दिखाई देते हैं, उनकी सुनने के लिए पिछले 5 साल में कोई नहीं पहुँचा, वे अपनी गलती मानने लगे हैं और भाजपा से उनका मोह भंग हो चुका है, वे अब बदलाव चाहते हैं। जो पहले जब विकास हुआ ही नहीं हल्के में, विकास के मामले में पिहोवा बिल्कुल पिछड़ चुका है, कमेटी की बहुत सारी दिक्कतें हैं, पंचायतों की बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो 5 साल तो कोई सुध-बुध लेने तो आया नहीं। तो यही है कि विकास के मामले में पिहोवा पिछड़ चुका है, भाजपा की सरकार को लोगों ने चिंता करने का मन बना लिया। तो क्या क्या वायदे रहेंगे आपके विकास के? वो हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज हो चुका है, मैनिफेस्टो की कॉपी पड़ी है, वो हमने बता दिया है, उसमें काफ़ी महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए हमारी मैनिफेस्टो में कुछ ना कुछ जरूर